अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। आज मैं सोच रही थी मैं क्या मैसेज दूँ, तो ऑफकोर्स जब अपनी कोई तबीयत ख़राब होती है ना, तो माँ बाप बिफ़ोर एंड आफ्टर मैरिज का यही हिसाब होता है कि सब फैमिली वाले याद आते हैं, और कुछ लोग बड़े नाजुक तबीयत होते हैं जस्ट लाइक मी, और कुछ जैसे एलर्जी पेशेंट। मैं शुरू से ज़रा सा घर में सबसे छोटी हूँ, तो नखरे भी ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पे अम्मी ने ज़रा ज़्यादा लाडला रख लिया। काम वाम मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था, लाइक किस्मत में पहले बड़ी बहनें थीं तो तब भी मैंने काम नहीं किया। फिर जब भाई भी मतलब बड़े थे, बहन भाई जितने बड़े थे मैं सबसे छोटी थी। अब बहनों की शादी हुई तो भाभियाँ आ गईं, फिर मेरी किस्मत फिर अच्छी। ना कभी मैंने अफ्तारी बनाई, ना कभी सहरी बनाई, इसकी ये मसला नहीं था कि मुझे काम नहीं, वो मेरी नसीब में शायद वो नहीं था। तो लाडले की वजह से मैं किस्मत में ज़रा धनी हो गई। फिर वो ज़रा ज़रा बात पे जैसे नाराज़ होना, ये छोटेपन की जो है ना, ये फिर पूरी फेवर्स लेते हैं हम। बीमार हो जाऊँ तो सबका ख्याल बहुत अच्छा लगता है, फिर रोते भी हैं हम और रो के अपनी सारी फरमाइश पूरी करते हैं, बार बार जाके अम्मी के गले लगते हैं, तो वो उनका वो खूबसूरत सा प्यार करना, वो सब चीज़ें। लेकिन आफ्टर मैरिज ये सब चीज़ें जो है ना, ये बड़ी दूर हो जाती। ख्याल है ऐसा नहीं है, ज़रा पता, वो एक रिलेशन्स होता है, वो ऑफकोर्स आपका केयरिंग भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि वो सब चीज़ें जो आप अपनी माँ के घर में अपनी शहनशाहत का दौर गुजारते हैं और हर चीज़ आपके बिन बोले पूरी हो जाती है, लेकिन जब आप आफ्टर मैरिज में उन ख़वातीन को ऑफकोर्स वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि फिर कहना पड़ता है, फिर आप ये ना सोचें फिर, क्योंकि वो कभी कभी नहीं, बहुत सारे मसलों में लोग उलझे होते हैं ना, तो नहीं उनको याद नहीं रहता, तो इस तरह डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स वैसे तो देखा जाए कि दो लफ्ज़ ही पूरी 24 आवर्स के थकावट उतार देते हैं, एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे अल्फाज अगर अपनी वाइफ को कहे जाए, उसको ये बताया जाए कि मैं यूं मसले में फंसा था, जब एज़ कम्पेयर टू देन अगर उसने कोई फरमाइश करी तो दो लफ्ज़ बहुत होते हैं, से सॉरी एंड अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे बहुत करीब हो, मैं तुम्हें महसूस करी, ये दो अल्फाज जस्ट ओनली 30 सेकेंड के होते हैं या एक मिनट के, एज कम्पेयर टू अब 10 मिनट्स ये कन्विंस करें सॉरी मैं यहाँ मसरूफ था, सॉरी ये मसले थे वो मसले थे, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सारी दुआओं वाली बात होती है। यकीन करें जब कोई भी इसमें कोई भाई हो, हस्बैंड हो, वालिद हो, मैं कहती हूँ चाहे वो औरत के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप, उसके दिल से इतनी दुआ निकलती है कि कोई और शख्स है, कोई और शख्सियत है, कोई और बंदा है, कोई और बंदी है जो मुझे एहसास, जिस तरह मैं उसका एहसास करता हूँ मेरा एहसास करता, तो ज़िंदगी बहुत हसीन खूबसूरत। आप मुझे बड़ा अफसोस होता है, ऑफकोर्स सब जॉब पे होंगे इस वक्त, तो आप 7, 8, 12 घंटे की जॉब में 1 से 2 बार एक कॉल करके पूछ लें, तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको कोई तीसरा बंदा दूर नहीं कर सकता, उसकी गुंजाइश ही नहीं होगी। लेकिन आप गुंजाइश यूँ छोड़ देते हैं कि वो बंदा अपनी बहन से अटैच हो जाता है, वाइफ कभी किसके साथ उलझ पड़ती है सास, क्योंकि उसकी बलबोते पे, जो आपके बलबोते पे आ रही है ना, उसको एक ना एक ढाल चाहिए, और वो ढाल जो है ना वो कहीं और इधर उधर हो जाती है तो उसको सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी स्ट्रेस होती है। लेट्स सी, मेरा मैसेज काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन ये ज़िंदगी की हकीकत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी हकीकत है, और हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। और ज़िंदगी में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब खुशियाँ हमेशा नहीं रहती हैं, शादी का त्यौहार होता है, ख़त्म हो जाता है, आपको सक्सेस मिलती है, उसके बाद आप उसकी आदी हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में याद रखना, मेरे रब ने इसीलिए हमें खुशियाँ और गम एक साथ गुजारने को कहा है। तो आप हमेशा ऐसे गुजारते हैं ना, जन्नत दोजख गुनाह सवाब सब कुछ चलता है, तो ज़िंदगी में हमें खुद अपनी असेसमेंट मेंटली प्रिपेयर होना है कि खुशियाँ और गम दोनों एक साथ फेस करने।
ठीक है, लेट्स सी, हम चलते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब। अच्छा, कुछ हमारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जब हम उसको रेगुलर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं लाइक एलोपैथिक में, तो वो हमारे लिए डेंजरस होती है। मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा जैसे जरूर हम अपना उसका इस्तेमाल करें वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, ऐसा है कि नहीं, रेगुलर जैसे कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हर्बल एंड होम्योपैथिक का इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको भी बिला वजह ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका भी फिर ऑफकोर्स आपके ऊपर डेंजरस होगा ना। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक का ज़्यादा होता है, जैसे लोग किडनी का या हार्ट का अपने का टैबलेट खाते हैं, या किडनी का मैंने ख़ास तौर पर कहूँगी, या शुगर का, तो फिर उनके और ऑर्गन जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है या मैं कितना सही कह रही हूँ ये डॉक्टर्स ही मुझे बताएंगे। और होम्योपैथिक आज डॉक्टर्स मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद है, दोनों का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। और आज हम बात करेंगे आपके अंदर खून की कमी कैसे पूरी की जा सकती है फ्रूट से, वेजिटेबल से, और अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके अंदर खून की कमी से आपका बीपी डाउन हो सकता है, खून की कमी से बहुत सारे आपकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर बीमारियां जो हैं वो अटैक कर लेती हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद हैं, मैं मिलवाती हूँ सलमान साहब से, और सलमान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो मैं गलत नाम तो नहीं ले रही थी, तबियत में मैं आगे पीछे हो जाती हूँ बाबा बोल बोल के, इनको मैं बाबा बोलती हूँ तो वो बात। सलमान साहब जो हैं वो माशाल्लाह होम्योपैथिक, और इनकी सबसे स्पेशलिटी ये कि जो बच्चे कुछ सीपी चाइल्ड होते हैं थोड़े मेंटली रिगार्डेड होते हैं उनको भी बहुत अच्छी से तरीके से जो है वो ट्रीट करते हैं। मैं मिलवाती हूँ सलमान, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और मैं अपनी दूसरी डॉक्टर से भी मिलवा लूँ, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और यहाँ पर मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर सुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और माशाल्लाह अल्लाह, मुझे तो आप ब्यूटी डॉक्टर लग रही है। अब हमें भी बताइएगा ये ग्लो कहाँ से आया, कौन सी आप प्रोडक्ट खा रही हैं ताकि मैं रोज़ स्क्रीन पर आती हूँ मेरा भी ग्लो ग्लो हो जाए। Why not? ये बेसिकली हमारी इंटरनल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आप इंटरनली अपनी डाइट कैसी लेती हैं, रूटीन कैसी रखती हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो अगर इन चीज़ों का भी ख्याल रख लिया जाए तो ब्यूटी आपकी और इन्हेंस हो जाती है। क्या बात है, क्या इन्होंने जल्दी खाना पूरी कर दी है। अच्छा जी, हम सुमैरा से बात करेंगे। सलमान, जैसे मैंने कहा खून की कमी, और इससे क्या कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है? पहले तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा सबको, मेरी तरफ से सलाम जो लोग मुझे देख रहे हैं, रब शराह सदरी वयस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आपने भी बात की कि 12 घंटों में से अगर एक दो कॉल कर ली जाए तो मुझे बताएं बॉस छोड़ेगा एक दो मिनट की कॉल के लिए तो ही आपको कॉल करेंगे ना? आप मुझे बताएं वो बंदा जो बॉस जिसको इतने स्ट्रेस में रखे, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, कायद अजम मोहम्मद अली जिना का कॉल तो प्राइवेट ऑफिस पे जिस कदर चलता है मैं नहीं समझता कि शायद सरकारी पे चलता हो। तब आप मुझे बताएं ना, जो शख्स टेंशन डिप्रेशन और अपने ऊपर काम को हैवी करके जब काम लेगा तो उसको ना तो वो बीवी की फिक्र रहती है ना बच्चों की, सिर्फ उसको रिस्क हलाल और रिस्क असूल की फिक्र रहती है कि वो अच्छे तरीके से कमा सके। और सरकारी इदारों से ज़्यादा खतरनाक प्राइवेट इदारे, क्योंकि यहाँ सबसे जो ब्लैकमेलिंग होती है वो तनख्वाह रोकने की होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी नाज नखरे दिखाएंगे तो आपकी जो तनख्वाह है वो रोक दी जाएगी। और यही परेशानी का बाइस होता है कि जब आप 12-12 घंटे काम करते हैं तो क्या खाक आप घर पे फोन करके पूछेंगे कि भाई तुम कैसी और क्या, क्या बात है। सही आपने कवर किया है, लेकिन मैंने उन शादीशुदा मर्दों को भी देखा एट अ टाइम शादीशुदा होके भी दूसरों को लाइन मार रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ना करें ऐसी बातें। देखिए मेरी तरफ देख के तो ना हम लोग। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ये बातें कहीं और चली गई हैं। अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि वो कहते हैं बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक चली जाएगी, तो फिर हम बात करें अपने हेल्थ के ऊपर। खून की कमी से क्या कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है? साबरा, आज का मौजू मैं ये कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है, और मैं समझता हूँ कि खून की कमी के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे बेसिकली अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हमारे जिस्म में खून जो है वो बढ़ जाता है, और कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हमारे जिस्म में खून जो है वो बेसिकली कम हो जाता है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा
लेकिन एज अ कंसल्टेंट हमारा काम ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आए और आकर हमसे अपनी बात डिस्कस कर रहा हो, तो हम डॉक्टर का सबसे पहला काम उसकी फेस रीडिंग होती है, जिसको हम साइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उससे कुछ मामला, कुछ सवाल करते हैं, जिसे हम स्पेशली सिम्टम कहते हैं, जो हम जानने की बाकायदा कोशिश करते हैं। अब अगर पेशेंट मेरे पास आया है और वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा है, तो उसके हाथ और पैर और चेहरे से बिल्कुल नहीं आपको पता चलेगा कि उसके जिस्म में खून की किसी किस्म की कमी या कोई प्रॉब्लम जो है उसको बेसिकली हो रही है। लेकिन एज अ डॉक्टर ये मेरा काम है कि मुझे कंसल्ट करना है कि आया कि उसके साथ ये मसला है या नहीं है। अगर वो मुझे कहता है कि सेंसेशन का मेरे पास, मेरे हाथों में सेंसेशन है या मेरे पैर में सेंसेशन है, अब मैं डॉक्टर होने की ऐसे क्या करूं कि मैं डायरेक्ट उस पर इल्जाम डाल दूं खून की कमी का, तो ये ज्यादती है। ओके, क्योंकि एक डॉक्टर कंसल्टेंट यही होता है जो बेहतर तरीके से तशखीस कर सके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उस पर इल्जाम डालना, जबकि ये अलामत शुगर की भी है, जबकि ये अलामत जो है जिगर की खराबी की भी है, सिर्फ खून की कमी की नहीं है। ओके, तो अब ये मेरा काम है कि मैं उसकी पूरी तफसील लेने के बाद जब उसको ट्रीटमेंट करूंगा, तो यकीनन जो है वो बेहतरी की तरफ भी आएगा और अपने सिम्टम्स को काफी हद तक बेहतर करेगा और एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाएगा। ओके, अच्छा, जब हम मैंने जैसे खून की कमी की बात की, आपने कहा इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हम किसी एक बात से किसी को ये नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं विदाउट एनी, ऑफ कोर्स हर किसी का तो नहीं, कि ब्लड वो तो बहुत ज्यादा कोई सीवियर कंडीशन में जा रहा हो तो उसको देन कहते हैं आप अपना पहले ब्लड टेस्ट करवा के लें, फिर हम देखते हैं। कुछ लोग आंखों के थ्रू और जबान को कहते हैं बाहर निकालो देख के, फिर ये क्या सिम्टम है? मेरा कहना ये है कि अगर एक होम्यो फिजिशियन के पास एक डॉक्टर आता है और आने के बाद एक पेशेंट आता है और आने के बाद जो है वो डॉक्टर उससे ये कहता है कि आप टेस्ट रिपोर्ट करा के लिए, तो डॉक्टर ही नहीं है। एक होम्यो फिजिशियन जो है वो साइन और सिम्टम पे फेथ करता है, ना कि किसी रिपोर्ट के ऊपर। ओके, अगर मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ और मुझे समझ सामने वाले पेशेंट की है ही नहीं कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो फिर बेहतर है कि मैं कुछ और काम कर लूँ डॉक्टरी से बेहतर। मैं होम्यो फिजिशियंस को कह रहा हूँ, एलोपैथिक और हिकमत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि इनके तो अपने ही सिस्टम है कि अगर इनके यहाँ तो सिर्फ एक है, अगर जबान बस एक चीज़ ऐसी है, वरना ये इसको भी काट दें कि अगर आपकी जबान में छाल है ना तो वो इलाज नहीं होना। उन्होंने कहना है कि काट दें जी, ख़त्म करें, यही सबसे अच्छा हल है हमारे पास इसका, और हमारे पास कोई हल नहीं है। अब मसला ये हो रहा है कि जब सामने वाला पेशेंट आपके पास आता है और वो आने के बाद एक साइन लेकर आपके पास आ रहा है, स्पेशली कि उसके चेहरे पर एक पिलाहट मौजूद है या उसके चेहरे पर एक नीलाहट मौजूद है जो लाइट ब्लू शेड पर आता है, तो आप बिल्कुल ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि अंदाज़ा कि आप 110% जो दवा आप उस वक्त सेलेक्ट कर रहे हैं उस दवा के हवाले से आप उससे बात कर सकते हैं, उसको बाकायदा तौर पर जो है वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसको गाइडलाइन दे सकते हैं कि तुम इस तरह से होता है। और आपने पूछा कि एक वजूहत नहीं होती और ये बाकी में एक वजह नहीं होती, एक्सीडेंट के होने से खून का ज़ाया होना, मेंस्ट्रुअल सर्कल की प्रॉब्लम की वजह से खून का ज़ाया होना, आप ये कह लीजिए कि छोटे बच्चों में स्पेशली ब्लड कैंसर जो होता है उसके अंदर आपका जो ब्लड है वो डेथ हो चुका होता है, आपके प्लेटलेट्स खत्म होना शुरू हो चुके होते हैं और वाइट सेल्स तेजी से जो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास बुखार में अमूमी तौर पर देखा जाता है खून की कमी बहुत वाजे नजर आती है, और उसकी वजह भी यही है कि अंदर आपके वाइट सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं और रेड सेल्स आपके बेसिकली कम हो रहे होते हैं। और इसी तरह जो डेंगू फीवर चल रहा है इसमें आपके वाइट सेल कम हो रहे होते हैं और रेड सेल ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये निज़ाम कुदरत है कि हर चीज़ का अप एंड डाउन उस परवरदिगार आलम ने इस कायनात के अंदर मौजूद रखा है। तो खून की कमी, अब ये कहें कि चेहरा देखकर या आंखें देखकर या जबान देखकर या हाथ देखकर बिल्कुल पता चलता है, क्यों नहीं पता चलता, लेकिन उसके साथ साथ सिम्टम पता कीजिए कि आखिर ये वजह क्या है कि जिसकी वजह से ये मसला दरपेश जो है वो आ रहा है, और फिर उसका बेहतरीन आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट। ठीक है, इंडिकेशन जो है वो नजर आ जाती है। अच्छा जी, सुमैरा के पास चलते हैं। खवातीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उनकी लापरवाही से ज्यादा ग्रूम अप हो जाती हैं, लाइक जैसे साइकिल जो है, पीरियड्स जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, और आफ्टर डिलीवरी उनके अंदर खून की कमी, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी होती है खून की कमी भी हो सकती है, और ये भी होता है कि फिर उनका खाना पीना जो है वो बिल्कुल लापरवाही की तरफ चला जाता है, तो इससे उनको मेरे यकीन करें सलमान, मैं सच कह रही हूँ, एक अभी यानी कि हमारे फैमिली में ही हुआ है, उन्होंने 1 वीक
के बाद उनकी वाइफ जो है ना मतलब डेथ हो गई, बेबी बॉर्न हो गया और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको पीलिया है, उन्होंने कोई खून की दवाइयाँ दी, उन्होंने खाई नहीं, जब उनकी डेथ हुई तो वो सारी मेडिसिन वहाँ से निकली। तो ये लापरवाही है औरतों की, मैं बड़ा अफसोस होता है। लापरवाही भी कहूँगा, साथ साथ खौफ भी कहूँगा कि अब ऐसा हो गया है कि जो दवाएं हैं खून बनाने की वो आपको बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हर गली कूचे में आपको मिलना शुरू हो गई हैं, अब वो चीज़ नहीं है। क्योंकि जितनी तेज़ी से कंपनियाँ इन हो रही हैं, जितनी महंगाई बढ़ रही है आप देखें उतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं और उतनी ज़्यादा कंपनियां मार्केट में इन हो रही हैं। सस्ती से सस्ती दवा देकर डॉक्टरों को ख़रीदा जाता है और उसके बाद उनसे वही दवाएं जब इस्तेमाल कराई जाती हैं तो बजाय इसके पेशेंट सही होने के उन केमिकल्स की वजह से वो तबाही के दहाने पर आ जाता है और बस समझिए कि उसकी तकदीर क्या लीजिए या उसकी किस्मत क्या लीजिए कि वो ख़राब होती है। आपने कहा कि उसको एक हफ़्ता हुआ था, देखिए ये कैजुअलिटी डिलीवरी में ही पता चल जाती है या जिस वक्त बच्चा बेबी पैदा नहीं हो रहा होता उसी वक्त ही पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में कि बेबी की कंडीशन जो है वो क्या चल रही है या अंदर जिस समय खून की जो पोजीशन है वो क्या चल रही है। तो ये मैं समझता हूँ उस डॉक्टर का काम है जो डिलीवर कर रही है कि उसको पहले से ही सारी तैयारियाँ करानी चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं वालदैन जो होते हैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें जब वो लड़की ससुराल चली जाती है तो खुद भी वो नहीं खाती और इस्तेमाल करती कि मैं मोटी ना हो जाऊँ मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। कुछ चीज़ें जो सास होती हैं वो भी सही तरीके से गाइड नहीं कर पाती तो यहाँ तो प्रॉब्लम आती है। यानी कि केयरिंग और यानी केयरिंग बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सुमैरा तो सुमैरा बता सकती नहीं, सुमैरा जिस तरह मैंने भी सवाल किया था कि भाई हमें जो खवातीन है आफ्टर डिलीवरी उनके अंदर अल्लाह ना करे ये खास तौर पे ये पीलिया हो जाना और ये बढ़ जाता है तो वो काला यरकान में भी बदल जाता है तो ए बी सी कुछ इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है तो हाँ इस ये ज़्यादा खतरनाक होता है, वो ज़्यादा डिवेलप फॉर्म है इस चीज़ की। वरना जब इनिशियल स्टेज पर जिगर में प्रॉब्लम शुरू होती है LFT वगैरह में पता चल जाता है, जब आपको पता चल जाए तो फिर आप उसके लिए प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दें और जो आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वैसे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में ज़्यादातर अगर हम देखें फेरम की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है इस यानी इस सिचुएशन में, एनेमिक अगर पेशेंट हो इसके लिए भी बहुत अच्छी है। प्लस अगर कोई यानी अगर लिवर में यानी जिगर में कोई प्रॉब्लम आती है यानी आप जैसे पीलिया वगैरह का जिक्र कर रही हैं तो इस स्टेज से भी आपको बहुत हद तक आपको बचा सकती है और ये बहुत अच्छा काम करती है आपके लिए और आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है आपका ये काफ़ी स्ट्रांग करती है। हम ये कह सकते हैं कि आयरन बूस्टर है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर हम इसे प्रॉपरली यानी दो दो गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, हर खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी, इसकी कोई ज़्यादा कैद नहीं है, मगर ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त एक्शन करती है। प्लस आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपको ज़्यादातर लोगों में ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर मैं आयरन के सप्लीमेंट्स लूँगी तो फिर ये होगा कि मेरा कलर डल हो जाएगा या बेबी का कलर डल हो जाएगा, तो ऐसी ये सब मिथ है, ऐसी कोई यानी हकीकत नहीं है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट में लीफ यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्लस जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल लाजमी करें। बहुत से जो लोग यूजुअली आजकल वो जंक फूड की तरफ तो चले जाते हैं मगर वो हेल्दी डाइट की तरफ नहीं जाते हैं या फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर वो इस तरह से करेंगे तो फिर जाहिर है वो एनीमिक भी होंगे और प्लस ये भी होता है कि फिर वो हमेशा लागर लागर से रहते हैं, स्किन उनकी जो है वो बहुत डल डल लगती है, वीकनेस आती है, सांस जल्दी फूल जाता है, जल्दी थक जाते हैं, एग्जर्शन उनको बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि आयरन जो है या हम कहें कि अगर ब्लड की कमी होती है तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में कम हो रहा होता है, हमें हाइपोक्सिया हो रहा होता है, क्योंकि ये आयरन जो है ये हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा होता है। अगर हम इसको सही तरह से अपनी डाइट के शामिल रखेंगे अगर, तो हमें ये होगा कि इन सब सारी चीज़ों से हम पहले ही बच जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में जो आपने कहा कि लोगों की जब खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन की भी कमी होना शुरू हो जाती है और सॉरी अक्सर लोगों का बीपी डाउन होने लग जाता है, चेहरा डल डल होता है, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो हमें रेगुलर या वीक में या दो बार किस तरह हमें क्या मेडिसिन यूज़ करनी होगी होम्योपैथिक में? अगर हम देखें होम्योपैथिक मेडिसिन यानी फास्ट और रैपिड एक्शन होता है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इसका यानी ये फास्ट नहीं है और बहुत स्लो है। जब अगर हम बात करें लहनिंग के फेरम की तो इसका रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छा मिलता है, यानी फास्ट है
और ये अगर आपको सही मेडिसिन और सही पोटेंसी का पता है और सही तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ ऐसी कोई डाइट नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो जाया ना हो, यानी अगर आप जंक फूड ले लेते हैं या बहुत ज्यादा कैफीन यानी कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं या चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो तो आपकी ओवरऑल वैसे ही हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। प्लस आपकी मेडिकेशन जब चल रही होती है तो फिर आपको इन सब चीजों से अवॉइड केयर करना पड़ेगा जी। और ये जो फेरम की जो डोजेज है वो ज्यादातर जैसे अगर एडल्ट्स में देखा जाए तो दो दो गोलियां दिन में तीन मरतबा हर खाने से पहले भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी हो, ठीक है। और इससे अगर आप क्या फर्क पड़ेगा इस टैबलेट को खाने से? देखिए सबसे पहले तो आप बहुत एक्टिव फील करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे बहुत जरूरी, इसका मतलब है आपकी जो इम्यून आप लेकर आएंगे प्लीज मुझे बिल्कुल लाए हो सच मुझ रियली। अच्छा नहीं, मैं तो अभी सिर्फ वो ही देख रही थी, रक्स रूबी है जो मेरी फेवरेट चीज है। अच्छा दूसरा के साथ कंबाइन भी, अच्छा दूसरा भी यहाँ पर मौजूद है, इसको जरा सा देखिएगा जब तक ये आप तारीफे करें हम इसको देखते हैं। अच्छा बताओ। हाँ? जी ये आयरन हमारी बॉडी में बूस्ट कर रहा होता है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ये ब्लू वाली ना ब्लू वाली जी, जी, जी इसका नाम क्या है? ये लर्निंग लेबोरेटरीज की फेरम, फेरम ओके ओके जिनका भी ये जिक्र कर रही है फेरम है ओके। अच्छा दो दो टैबलेट खानी है जी, दो दो टैबलेट खानी है। टोटल कितनी होती है? इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ये होगा कि आप जब इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग, ये हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं इम्यून बूस्टर है, ठीक है, जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ओवरऑल हमारी हेल्थ बेहतर होना शुरू होती है। जब इम्यून सिस्टम हमारा ठीक होगा तो जाहिर है जो भी सब मसले हल हो जाएंगे, जो भी बीमारी पर अटैक करने वाली होती है तो हमारा जिस्म उसके लिए प्रिपेयर्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग हालत में होता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम बहुत सारी बीमारियों से पहले ही बच जाते हैं। That's good. और ब्लड की कमी जहाँ तक की बात है कि ब्लड लॉस एक्सीडेंटल भी हो जाता है, प्लस में और अगर बेबी में ये चीजें ट्रांसफर होती हैं तो फिर बेबी जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक रह जाता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मुतासर होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी में यानी जो लेडीज वो तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें और उसके कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है तो वो बिल्कुल सेफली अपनी डाइट के साथ ले सकती हैं। ओके अच्छा हनी एक और चीज मुझे बताना कि जैसे अभी खवातीन की मैं बात करती हूँ, हर बंदा कहता है यार मैंने जैसे कहा स्किन की ग्लो होना, फ्रेशनेस, इम्यून सिस्टम का आपने कह दिया, ब्लड एक्टिव कर दिया, बिल्कुल। तो इस आपके इसमें मेडिसिन में या इन प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि एक्टिव तो आप कह रहे हो तो इज अ प्लस पॉइंट, तो कुछ जैसे जिंक, जिंक वर्ड आ गया मुझे, जिंक जो है वो कैसे वो अपने बॉडी में पूरा करें? वो भी इसके जरिए हम पूरा कर सकते हैं। प्लस ये है कि अगर हम डाइट की बात करें तो ग्रीन्स का इस्तेमाल करें, बीन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। और दूसरा ये कि ये आपकी जो आपका जो मेन कंसर्न है स्किन का ग्लो, तो जाहिर है जब हम ब्लड का फ्लो प्रॉपरली हमारी बॉडी में हो रहा होगा, ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और साफ खून बन रहा होगा, न्यू खून बन रहा होगा, तो हमारा जो स्किन का कलर है वो भी ज्यादा निखरा हुआ महसूस होगा और उसमें ग्लो भी मौजूद होगा। खा के मैं बताऊंगी एक महीने बाद, जरूर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, हम लोग जैसे बात करें जिंक की बात करें और खून की कमी को पूरा करने की बात करें, और इन्होंने जैसे कहा कि ग्रीन लीव्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत पसंद है पालक वगैरह, लेकिन अगर मेरे जिन लोग पानी, हम लोग बहुत कम पीते हैं, बकौल इसके कितने लोग मेरे गेस्ट कहते हैं कि हमारे कराची का पानी ऑफ कोर्स समंदरी पानी है तो उसके अंदर वो हम लोग पी नहीं पाते, चार ग्लास से सुमहरा ज़्यादा पिया ही नहीं जाता रियली में सच। जरूरी है अगर आपको प्यास नहीं लग रही है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली 70% पानी पर है। अगर जिस तरह से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्ड है उसके लिए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 70% अपनी बॉडी को नरिश ही नहीं करेंगे, यानी पानी से हम अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है, पानी से बेहतर कोई फ्लूइड नहीं है। जैसे कहा जाता है कि दूध और ये सब चीज़ें तो फिर बाद में आती हैं, दूध की भी खास ये अहमियत है, मगर जो पानी की अहमियत है वो आप उसका नेबल बदल कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक ने जो जमीन हमारे लिए प्रोवाइड हमें की है उसमें भी 3% पानी का और 1% जमीन है, तो एक किसी झटका लगेगा ना तो सारे और पानी, जमीन और हमारी बॉडी जब स्ट्रक्चर है इसी तरह के, उसमें पानी की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो हम अपनी लाइफ में पानी की इम्पोर्टेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कम से कम एटलीस्ट इस सीजन में हमें
आठ से दस ग्लास पानी लाजमी पीना चाहिए। मैं ये आप लोग वैसे देख रहे होंगे कि इतना खून की कमी की चाय कितने रोजाना इतने इतने कप पीती है, चाय नहीं है पानी ही है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीती हूँ, सलमान देख रहे खुद पी रहे हो, हमें तो कुछ ऑफर ही नहीं करो। नहीं नहीं बिल्कुल हम चाय भी पियेंगे, लेकिन जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं तो क्या उनके अंदर खून की कमी का कमी ज़्यादा हो जाती है? सभी पहले तो मैं सुमैरा ने जो बड़ी खूबसूरत बात की और माशाल्लाह बहुत ही मालूमात जो है हमारे लोगों तक इन्होंने कंटिन्यूसली पहुंचाई है। पहली बात तो मैं कहूँगा जो इन्होंने पोटेंसी का जो जिक्र किया, जो पोटेंसी का जो एक तस्करा किया उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि पोटेंसी हमारे यहाँ होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, अब फेरम है जैसे लर्निंग लेबॉरटरीज की, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जिंक तो ऑलरेडी कवर कर ही रहा है जो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपके फेरम को, आपके कैल्शियम को, आपके मेंटल मैग्नीशिया फास को, आपके किल्केरिया कार्बोनेटिव, इन सारी चीज़ों को भी बड़े प्रॉपर तरीके से लेके चलता है। और हमारा बूस्टर इसके साथ साथ जो हमारा टॉप टू बूस्टर है वो हमारा माशाल्लाह रेक्सरूबिया, और रेक्सरूबिया को तो हम मिनी डॉक्टर कहते हैं, यानी घर का छोटा डॉक्टर हमारा रेक्सरूबिया है कि अगर किसी भी किस्म की वीकनेस है, किसी भी किस्म की डिफिशेंसीज है, इम्यूनिटी सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, बूस्टर करना है, या कमजोरी को खत्म करना है, या दिन भर की थकन है और आपने जो है थकन दूर करनी है, या आप कहीं प्रॉपरली कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आप रेक्सरूबिया जरूर साथ लेकर जाए। ये जरूरी नहीं कि आप दूध में मिलाकर पिए, बेसिकली इसको पानी में भी यूज कर सकते हैं, आप इसे शरबत में भी यूज कर सकते हैं और आप इसको ओरल भी ये खा सकते हैं। ये इस तरीके कार से लर्निंग लेबोरेटरीज ने तैयार किया है कि आप ये समझे कि ये हर हवाले से आप इस्तेमाल जो वो कर सकते हैं, सर के बाल से लेकर और पैर के अंगूठे तक, क्योंकि दोनों में फेरम में भी और अगर हम रेक्सरूबिया में बात करें दोनों में मैग्नीशिया फास मौजूद है जो बालों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आप कह लीजिए कि लिंक है, जिससे 99.9% आपके बालों के अंदर शाइनी और आपके बालों के अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबरदस्त। सुमैरा मेरे साथ है, सलमान मेरे साथ हैं और हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।